ठीक है। हाँ हिस्ट्री नहीं। वाली, हिस्ट्री आवर हिस्ट्री पार्ट सेकंड। ठीक ओके सेकंड सर। बिलू पेन दो। चलो पूछ ले हम कि पता कितना कितना है थोड़े से हिस्ट्री के बारे में ना, जितना जितना पता हो जल्दी जल्दी बताते जाना, टाइम कम है अपने पास। सबसे पहले अकबर किस टाइम पे था यहाँ पे, कोई टाइम डेट है तुम्हारे पास जानकारी किस टाइम पे था? नहीं पता ना। अकबर का पता है ना। चलो ये बताओ कि उससे पहले हमारे यहाँ पे मुस्लिमों ने आक्रमण किए तो उनमें से किसके बारे में पता है? किसी के बारे में नहीं पता क्यों? बताओ जल्दी जल्दी बताते जाओ सीरियसली। नीतू अपन भी बता सकते हैं, जल्दी बोलो, गलत हो कछु भी हो जो भी बोलते जाओ। हाँ कौन कौन थे तुम्हें तो थोड़ा बहुत हम बताए हैं। हाँ ये उनके दादा, और कौन थे ये? पापा, पापा और दादा। वह देखें हाँ वो भी थे इनसे बहुत पहले थे। चलो तो और ये गौतम बुद्ध कब थे, महावीर स्वामी ये लोग कब थे, कुछ टाइम वगैरह पता है इनका? चलो तो टाइम शुरू होता है यहाँ से, कहाँ से शुरू होता है टाइम? जहाँ से हम बता रहे हैं, जीरो है ना। तो जो चीज मानी जाती है हम वो बता रहे हैं। इसको माना जाता है, इस टाइम को क्या माना जाता है? नहीं ब्लैक ईसा का, हाँ बिल ब्लैक ही चाहिए है। ईसा, ईसा मतलब ईसा मसीह, क्या ईसा मसीह का जन्म वर्ष, इसको कब मानते हैं? ईसा मसीह का जन्म वर्ष, ठीक है ना। इस टाइम को तो गिनती पहले ऐसे ही चलती थी, ठीक से समझते जाना, गिनती पहले इसी हिसाब से चलती थी। जो इससे मतलब देखो पढ़ना लिखना इससे पहले भी लोग जानते थे, इसके बाद भी जानते थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि इस टाइम को लिखें का, जब ये काम हुआ तो इस टाइम को लिखें क्या, और इधर जो काम हुए तो यहाँ तो सीख गए थे कि क्या लिखना है, तो ये टाइम हुआ। हालांकि ईसा मसीहा जब अपने पैदा हुए थे तब कोई खास विशेष बात नहीं थी, क्योंकि ईसा मसीहा वो तो कब कहलाए थे? अपनी 33 साल की उम्र में। कितने साल की उम्र में? 33 साल। वो 33 साल की उम्र में ईसा मसीह कहलाए थे, ठीक। कब कहलाते वो ईसा मसीहा? 33 साल की उम्र में, उसके बाद गए। और इतिहास लिखने के पीछे जो डेट का निर्धारण था, डेट का डिसाइडेशन जो था, वो यूरोपीय लोगों ने किया है, मतलब उनका जो कैलेंडर है उनने इस मामले में ज़्यादा किया, ठीक। इंडियंस ने भी किया, लेकिन हम लोग जो सिस्टम पढ़ रहे हैं तो इस पे उन्हीं का ज़्यादातर क्या है, प्रभुत्व है। चलो अब हम देखें कैसे समय आगे बढ़ा और कैसे क्या हुआ, ठीक। चलो तो ये 7th की बुक है ना, कितना 6th में लिया है इसके बारे में कुछ पहले का। नहीं नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है अभी। इंडियन एंड वर्ल्ड किंगडम ऑफ साउथ इंडिया दोनों शाह अली सुल्तान। चलो देखो हम इसको माने, इधर देखना, हम इसको 100-100 साल पे बांट रहे हैं। कितने साल पे बांट रहे हैं? 100-100 आराम से है ना। कितने साल में बांटेंगे? 100, फिर 200, मतलब 200 का सन, 300 का सन, 400, 500, 600, 700, फिर 800, 900, 1000, फिर 1000, फिर 1100। अब हमको एक इसी लाइन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो स्किल दो, हम ये लाइन आगे बढ़ा रहे हैं। इसके पीछे बनाएंगे तो ऊपर तरफ बनाएंगे अपन, इसके आगे बना रहे तो नीचे बना दे रहे हैं, ठीक। यहाँ पे कछु कछु अपन क्या लिखेंगे, डेट वगैरह। डेट वगैरह मतलब कि कब क्या काम हुआ, किस टाइम पे क्या काम हुआ, किस टाइम पे क्या काम हुआ, ठीक। कुछ काम वगैरह
यहाँ लिखा जाएगा कौन राजा हुआ, कौन सा राजा, हाँ कौन से किंग और कौन से जो गुरु लोग थे ना, जो गुरु गोविंद सिंह, सिर्फ गुरु गोविंद सिंह नहीं, बहुत सारे, गौतम बुद्ध, बुद्ध हुए, महावीर हुए, गुरु नानक हुए, गुरु नानक हुए, पैगंबर हुए, ये सब की बात होगी। तो देखो 1100 आगे बढ़े, अब 1200 फिर 120 1300 फिर 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 और 2000 20 ठीक 20 नहीं 2000 निकल गया सर। अब सुनो ध्यान देना, अब सुनना जरा, हम यहाँ से पीछे जा रहे हैं, यहाँ से पीछे चले अपन, तो यहाँ बीच में होगा 1950 कहीं होगा, नहीं बीच में क्या होगा, बीच में 1900 और 2000 के बीच में होगा ना 1950, मतलब 1947 हमारा देश कब आजाद हुआ था, 1947 इतनी पीढ़ियां निकल गई। हाँ नहीं, यहाँ के आसपास तो तुम लोग पैदा हुए होगे 2000 के बाद 8-6 में, और यहाँ पे देश आजाद हुआ था और, हाँ, और देख ले हम अभी तुम्हारे आजाद नहीं, इस कापी में तुम्हें इतना सा दिख रहा है, अब देखो जरा हम कितने पीछे जा रहे हैं समय के, आई नहीं बात समझ में, इतने से यहाँ तक के बीच में 60 साल निकल गए तुम्हारे जन्म से, मान लो कि 2008 से माने तो 50 और 8 58 मान लो हम इसको 50 माने 47 लिखे हैं, लेकिन आगे देखें, अब देखो हाँ, एक मिनट नहीं, नहीं वो भी नहीं, वो भी इसके बाद हुए, हाँ तुम्हारे नाना जी से, तुम्हारे नाना जी से बड़े नहीं हमारे पिताजी हैं, तो वो हुए हैं 52 में, ठीक है ना लगभग, तो देखो 1869 में गांधी जी पैदा हुए थे, क्या हुए थे, गांधी जी पैदा, ठीक गांधी जी हुए थे यहाँ पे देश आजाद, गांधी जी पैदा हो गए, हम पीछे जा रहे हैं सुनना, और तुमने सुना होगा 1857 की क्रांति, सुना नहीं सुना, हाँ अच्छा भगत सिंह की, मंगल पांडे की 1857 की क्रांति, वो भी इसी टाइम पे यहाँ पे हुई रही है 1857 की बैटल अंग्रेजों से, सोचो इतने से इतने के बीच में पूरा इतिहास इकट्ठा हो गया, मतलब जितना बहुत कुछ हुआ, बहुत सारी चीजें हो गई इस बीच में, और सुन लो, और अंग्रेज कब आए थे हमारे यहाँ पे, हाँ जी अंग्रेज कब आए थे हमारे यहाँ पे, 1600 अंग्रेज आए, तो अंग्रेज हमारे ऊपर कितने समय रहे, सिर्फ 3 साल, 4 साल, 100, 200, 300, 400 और जे 300 और 350, कितने साल रहे अंग्रेज हमारे ऊपर, लगभग 350 साल रहे, हाँ जी कितने साल रहे लगभग, 350 साल, ठीक आई बात समझ, अब इनको गए हैं ना, हाँ अब हम जरा सब पीछे जाएं, अब जरा पीछे जाएं, सुनते जाना अच्छे से, है ना, पीछे जा रहे हैं, इस समय पे हमारे भारत पे औरंगजेब था, मतलब सुनो इस टाइम पे अंग्रेज आए थे, तो ये नहीं कि हमारे हिंदू हिंदू आ जाते, दिल्ली के जो हेड होता है दिल्ली, वहाँ पे किंग कौन था, औरंगजेब, औरंगजेब कौन था, अब जरा औरंगजेब की पहचान सुन लो, औरंगजेब थे शाहजहां के लड़के, शाहजहां के पापा का नाम था जहांगीर, जहांगीर के पापा का नाम था अकबर, अकबर के पापा का नाम था हुमायूं, और हुमायूं के पापा जी थे बाबर, है ना, और बाबर थे कहाँ के, जे मुगल साम्राज्य के संस्थापक, तो देखें हम यहाँ पे कौन था, औरंगजेब, औरंगजेब के बाद थोड़ा सा कोई किंग आए, वो उनके बच्चे ही आए, जिनमें से एक थे बहादुर शाह जफर, वो बात कब की थी, यहाँ आते आते तक 1857 की क्रांति तक बहादुर शाह जफर आ गए, इस बीच में बहुत सारे मुगल राजा रहे, मुस्लिम राजा, और अंग्रेज भी आ गए हमारे यहाँ, अंग्रेजों ने भी अपना काम किया, आई बात समझ, वो लोग बिजनेस करने आए थे, मान लो कि हमारे यहाँ पे पैदा होती बिजनेस, सुनो सुनो मान लो कि हमारे मलिया है, सुनते जाना ये मलिया यहाँ पे कोई कपड़े बेचने वाले आए और तुमसे कहें कि हमारे हमारे कपड़े खरीद लो और अच्छे सस्ते देंगे, तो तुम तो खरीदोगी और तुम्हारे स्कूल में रुक जाए, ठीक है अपने स्कूल में, अब वो 4-5 दिन स्कूल में रहे और फिर रहते रहते अपने मोहल्ले में रहते रहते तुमसे अच्छी रिश्तेदारी हो गई, घर बैठने आने लगे, बैठते बैठते नुकसान ना करते अपने देश, अब धीरे धीरे तुम्हारी अच्छी दोस्ती हो गई, अब उन्होंने वहाँ कहीं तो तुमसे पूछा, मतलब तुमसे नहीं सरपंच से पूछा, भैया कि तुम जमीन दे दो, तो सरपंच ने कहा ठीक है, स्कूल के बाजू में वो नदिया के बाजू में डलिए खाली,
सही में डलिए कीचड़ डलिए। बोले रह लो, अंग्रेज कहेंगे हमें तो कीचड़ दो कछु दे दो, रह गए। और जैसे ही वो वहाँ रुके, धीरे से उन्होंने वहाँ पे उनका अपना अच्छा पक्का मकान बना लिए, इतना मजबूत नाली तक काम न करे। और धीरे धीरे फिर तुम्हारे यहाँ पे दोस्ती तो कर ही ली थी तुमसे, अब धीरे धीरे तुमको चूना लगाना शुरू। और एक आध दिन ऐसा आया कि तुम्हारे घर को भी डकार लिए वो, बोले निकलो अब, गेट आउट, पूरे गांव खाली करो, सरपंच तक को बोल दिए तुम निकलो, हम है यहाँ के राजा। तो अंग्रेज लोग क्या किए, बिजनेसमैन बन के आए, जगदारों के जो मुस्लिम राजा था उससे बोले हमको साफ जमीन दे दो थोड़ी सी। इसी प्रकार की बहुत सारी कहानियां हैं, ये भी उनमें से एक है, और कुछ सच है और कुछ झूठी, मगर सच यही है कि व्यापार करने आए थे। बात खत्म, अभी अंग्रेजों पे हमने इतना टाइम खा गए, हम क्लियर ना, आगे बढ़े। ओके, साथ अगर एक दिन में ना हो पाए तो अपन दूसरे दिन भी पीछे की कहानी ले जाएंगे, ठीक। चलो आगे बढ़े, अभी तो हम सिर्फ टाइम लाइन समझने के लिए ये सब कर रहे हैं, बाकी सब पढ़ेंगे लेकिन बहुत अच्छे से। अब सुनो, जीरो जीरो जैसा नहीं लग रहा मुझे। चलो तो कोई बात नहीं, बाम लिखो इतिहास है ना, ये हम पढ़ेंगे टाइम लाइन डेडी टू बी, ठीक सही तरह काट काटो क्लियर ना। चलो आगे बढ़े, अब देखो ये हमने थोड़ा सा पीछे समझ लिया, अब तो मैं पीछे से जाने में दिक्कत हो तो अपन जीरो से पढ़े या और पीछे से जाके पढ़े, जीरो से पढ़े या ऐसे ही चल लेने, ठीक है ऐसे ही चल लेने। अब देखो यहाँ पे एक लड़ाई हुई थी, कौन सी लड़ाई हुई थी, गांधी जी ने अपने देश पानीपत, अरे गांधी जी तो बहुत दूर की बात, अभी ये थी पानीपत की लड़ाई, सुना है ना, द बैटल ऑफ पानीपत, द बैटल ऑफ पानीपत 1526। यही वो टाइम था जब यहाँ पे जब मुगलों का, मुगल हमारे यहाँ पे राजा बने थे, मुगल सल्तनत। हाँ ठीक, चलो ये बता दिया यहाँ तक तो ठीक है, तुम लोगों को थोड़ी सी दिक्कत होगी, इससे अच्छा ये है कि अपन ना नहीं पहले अपन पीछे की टाइम लाइन बना ले, कहाँ से चालू हुआ था चलो ठीक है बता दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये यहाँ पे हमारा बेस तैयार हो गया कि ये हम इतिहास में इतने समय में पूरा अंग्रेजों का समय जी लिए थे। अब जरा हम एक काम करें, पूरा शुरू से शुरू करेंगे, अब भी जल्दी से यहाँ तक आना है, हम 20 मिनट के अंदर कहाँ तक आएंगे, यहाँ तक। तो टाइम लाइन थोड़ा पीछे वाली बना ले, तो पीछे वाली ऊपर बना रहे हम, बना ले, रुक जाओ, जब से हमारा हिस्ट्री हमको लिखित में मिला, मतलब जब से मैन्यूस्क्रिप्ट मिली, अब मैन्यूस्क्रिप्ट का होती है मतलब उस समय के लिखा हुआ कोई कागज मिला, किस समय का, जबकि बात कर रहे हैं, जबकि हम बात कर रहे हैं, कब की बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे बहुत पहले की, अब उस बहुत नहीं लॉन्ग टाइम अगो, चलो देखें। तो देखो पहले जीरो देखो, इस तरफ जो कुछ होगा ना इसको बोला जाता है बीडी, इंग्लिश में बोला जाता है एडी, एडी, और इस जीरो से पहले जो भी कुछ हुआ बीडी, उसको बोला जाता है बीसी, बीसी है ना, इसका फुल फॉर्म होता है एनो एनो डोमेन, डोमेन है ना, और इसको पहले देखा जाता था बेसिक बिफोर बिफोर क्राइस्ट, इसमें कुछ स्पेलिंग में दिक्कत हो सकती है, ठीक है थोड़ा सा कन्फर्म नहीं है, ठीक है बिफोर क्राइस्ट, इसके लिए एक नया शब्द और आया है बिफोर, नहीं बस बीसी का मतलब समझ गई। देखो हिंदी में समझो, ये होता है ईसा से, कहा जाता है इसको हिंदी में लिखा जाता है इसको ईसवी, क्या लिखते हैं ईसवी बोलते हैं ना ईसवी, और इसको बोला जाता है ईसा पूर्व, ईसा पूर्व सुना है, हाँ। इसको शॉर्ट में पता क्या लिखते हैं, ऐसा लिखा जाता है ई और पू, तुमको कहीं पे भी कई जगह ये मिलेगा और कई जगह पे ये मिलेगा, बात क्लियर। तो जो भी काम है जीरो के इस तरफ हुए हैं वहां पे तुमको ये मिलेगा, और जो काम है जीरो के इस तरफ, देखो जैसे है ना, अब जरा देख लें अपन, तो देखो इस तरफ जीरो से 100 200 300
400 500 माइनस किया ना, ये नंबर लाइन नहीं है, ये टाइम लाइन है। हालांकि माइनस सोच सकती हूँ लेकिन लिख नहीं सकती। 700 800 यहाँ से आगे 900 1000 11000 12000 13000 14000 15000 फिर 16000 17000 फिर 18000 19000 2000 फिर 21000 22000 23000 24000 25000 अब सुनो जरा, समझ में और भी है कहाँ तक? अरे जाएंगे वो तो कई करोड़ लाखों तक पहुंचेगा, लेकिन समझने के लिए जरूरी है। देखो अब यहाँ से देखना, इस टाइम पे तुमने कहीं कहीं लिखा देखा होगा, पहले इंग्लिश में देख लो, इंडस वैली सिविलाइजेशन। हाँ। सुना है या नहीं सुना? हाँ। हिंदी वाले सिंधु, सिंधु घाटी सभ्यता, ये कब थी हमारे यहाँ पे? 2500 से इसको 2300 मानते हैं, हालांकि सब जगह अलग अलग है, उसको 3300 से मानते हैं, लेकिन हम समझने के लिए बता दे रहे हैं ना कि मान लो एक सिंधु पहाड़ था है ना, मतलब एक नदी थी, नदी के बाजू में एक घाटी थी और वहां पे कुछ लोग रहते थे, तो उसको हम क्या बोलने लगे? सिंधु घाटी सभ्यता। हमारी जैसे नदी इमलिया है, हमारी इमलिया धमनी नदी के बाजू में, तो हम बोल सकते हैं धमनी नदी घाटी सभ्यता। समझ गए? अब हालांकि ये मोती डाला सभ्यता बन गई, ठीक, क्या बन गई है? मोती डाला सभ्यता। तो देखो जब भी यहाँ पे लिखा जाएगा तो तुमने देखा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे लिखी जाती थी, 300 ईस्वी पूर्व तक तुमने देखा होगा, ऐसे ही लिखा होता है, यही लिखा होता है, मतलब इससे आगे तो थी हम मान सकते हैं, क्योंकि प्रूफ हमको इस टाइम के अप्रोक्स मिले हैं। क्लियर? अब देखो क्या क्या हुआ इसके बाद, इसके बाद बहुत सारे काम हुए हैं इस पूरे टाइम पीरियड में, क्या हुए हैं? बहुत सारे टाइम पीरियड, अब देखते जाना। 7 के बाद, मतलब 7 से 600 के बीच में, वो हमको टाइम याद नहीं आ रहा उस टाइम पे। हाँ, एक हमारी इंडिया पे इससे पहले भी बहुत सारे लोग आक्रमण करते रहे, लेकिन वो हमको याद नहीं है। यहाँ पे जो हमें याद है कि हम पे पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था, सबसे पहला मुसलमान, तो वो था नहीं मोहम्मद बिन कासिम। कौन थे वो? मोहम्मद बिन कासिम, ये हमारे इंडिया पे पहले मुस्लिम थे जिनने हमला किया था। आई बात समझ? मोहम्मद बिन, देखो ईसा से कितने पहले किए थे, हाँ रुकना जरा एक मिनट, रुको रुको रुको, सॉरी ईसा से पहले नहीं हुए, सॉरी सॉरी है ना, ये काटो, यहाँ किए थे वो, ये यहाँ पे लिख दे रहा है ना, मोहम्मद बिन दाऊद है ना वो, ये हमको 700 देख के याद आ गया, छोड़ो। तो यहाँ से अब हमको इतना पता है कि यहाँ पे बहुत सारी सभ्यताएं चली, हम लोग तरक्की किए और पता नहीं क्या क्या हुआ। बंदर कब थे? हम तो हमको बस इतना बताएंगे कि इस टाइम पे देखो इधर 300 से यहाँ के 300 के अप्रोक्स तक यहाँ पे कौन सी डायनेस्टी रही थी? गुप्त डायनेस्टी। वो नहीं, गुप्त डायनेस्टी, ये गुप्त थे, कौन कौन से थे? श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त जिनकी तुम बात कर रही थी, वो लोग यहाँ से यहाँ तक। अब इससे पहले कौन था? इसके पहले भी बहुत सारी डायनेस्टी थी जिनका हम यहाँ जिक्र नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ ये टाइम लाइन समझाने के लिए जो जो याद है वो हम बता रहे हैं। क्लियर? ठीक, हाँ ठीक है ना, यहाँ तक देखते जाओ, ये क्लियर। अब आगे देखें, यहाँ पे और चंद्रगुप्त कब से कब तक रहे? लगभग यहाँ से 500 तक, हम लगभग यहाँ के आसपास माने, यहाँ पे थे, चलो बात नहीं, यहाँ पे थे मौर्य डायनेस्टी, कौन थी? इसमें थे चंद्रगुप्त, इसमें भी चंद्रगुप्त थे लेकिन वो थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये मौर्य, ये थे। तो इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये थी गुप्त डायनेस्टी, ये थी मौर्य डायनेस्टी, इसको कहा जाता है गोल्डन एज,
क्या बोला जाता है? गोल्डन एज। स्वर्ण युग सुना है ना, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग, द गोल्डन एज ऑफ इंडियन कल्चरल हिस्ट्री, वो यही टाइम था। क्यों कहा था? क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारे महल, मंदिर, पता नहीं इतनी सुंदर सुंदर चीजें बनी थी, और इस टाइम पे भी वो चीजें रही, लेकिन जैसे ही मुस्लिम आए, उनने सबको मिटाना शुरू कर दिया। कुछ मुस्लिम जो बुरे राजा थे ना, उनने आके इनको मिटाना शुरू कर दिया, है ना। तो यहाँ पे आए थे मोहम्मद बिन कासिम, फिर इसके बाद यहाँ के आसपास कहाँ गया ये 1000, यहाँ पे मोहम्मद गौरी कौन आया था, आया समझ में। इसी बीच में महमूद गजनबी भी आए थे, जो हमारे यहाँ से बहुत सारा सोना लूट के ले गए। तो यह एक कहानी आ रही समझ में, आगे बढ़े। चलो देखें आगे। तो ये गौरी, अब सुनो, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो अभी अपन 7th क्लास में पढ़ोगे, यहाँ से यहाँ तक की पूरी कहानी 6th में पढ़ चुकी होगी, और इतने ही शॉर्ट में पढ़ी होगी। कितने शॉर्ट में? जितने शॉर्ट में हम बताए, लगभग 2-3 चीजें ऐड। यहाँ से सुनो, यहाँ से इस युद्ध तक, इस बैटल तक, कौन सी? पानीपत की बैटल तक, पानीपत की लड़ाई, इससे पानीपत की बैटल तक, मतलब 1206 से 1226 तक, ये कहलाता है दिल्ली सुल्तानेट। पढ़े ना ये दिल्ली सुल्तानेट, ठीक। कब से कब तक? 1200 से 1526, 1206 से 1526 तक। इतने के बीच में 5 डायनेस्टी रही। कितनी डायनेस्टी रही? 1। 1206 से 1290 तक, 1290 से ये 1290 तक, फिर 1290 से 1330 तक, और ऐसे ही ये सबसे पहली गुलाम डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, फिर सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी। 5 डायनेस्टी रही इतने में। ये लोधी है, कौन है ये? लोधी। और वो थे लोधी, मुस्लिमों में सरनेम होता है लोधी, लोधी नहीं, समझ गए, तो अलग अलग होते हैं, ठीक। तुम्हें पता है चौधरी, चौधरी मतलब मुस्लिम में भी चौधरी होते हैं, समझ गए ना। चौधरी रहमतुल्ला, यहाँ पढ़ोगे इंडियन स्ट्रगल में, कौन? चौधरी रहमतुल्ला, आई बात समझ, ठीक। तो प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत ना हो, तो यहाँ पे ये पूरा ये टाइम रहा। अब मान लो कि यहाँ पे तुमको बता रहा है कि गुप्त डायनेस्टी कब से स्टार्ट हुई, तो 300 BC से 300 AD। अब कोई बोलेगा कि 300 से शुरू 300 पे खत्म, ये कैसी गिनती? लिखने में अब लगेगा डाउट। अब सुनो एक चीज और सुनो, मजा आएगा, कि इंडस वैली सिविलाइजेशन थी 25 से लेके 23000 तक, है ना, और जो मौर्य डायनेस्टी थी वो थी क्या 300 to 60। तो कोई पूछेगा कि बाद में कौन आया, तो आदमी कहेंगे 25 बाद में आएगा, ये तो ये पहले आएगा, तो ये लेकिन ये पहले था। अभी कहानी के लिए अगर तो कहीं पे बीसी एडी चल रहा है, अब ध्यान रखना, अगर अब ध्यान रखना बीसी और एडी में नाटक नहीं होना चाहिए। जिसको ये समझ में आ गया ना, उसको समझ लो, पढ़ने में समझ में आने लगा, नहीं तो वो यही सोचते रहते ये सब काम कब हुए। ये सारी चीजें तुम्हें अभी देखो, तुम हो तो तुम्हारे में यहाँ से शुरू है 7th में, कहाँ तक है ये डायनेस्टी तक, ये तुमको 8th की बुक में मिलेगा। अब जैसे तुम 9th में पहुंचोगे ना, ये फिर से पूरा आएगा डीप, पूरा फोटोकॉपी करवा, ठीक। हमें देखा तो बीसी हुआ, नहीं नहीं तो मैं रख लेना, 300 फोटोकॉपी करा लेना, वीडियो सेंड कर देना, फोटो नहीं, ये कॉपी जिसको रखनी है रखो, फोटो वोटो सेंड करने वाला सिस्टम खत्म है ना, ज्यादा मोबाइल के अपने उसमें नहीं रखना, हाथ में होना चाहिए कागज, फोटोकॉपी करा ले, मैं दे दूं, हम दे रहे हैं।
डेट डाल दे रहे आज की, नाम डाल दे रहे हैं, खत्म। कितनी हमारा नाम ही इतना बड़ा है कि हम पूरा